इस वक्त जो आपकी हुकूमत है उसमें एक इस्तराब भी पाया जाता है। अगर एपीसी इतनी कारामद या इतनी जानदार नहीं थी, ये बार बार सफाइयाँ खैबर से लेके कराची तक आपकी पार्टी के लोग शुरू हुए हुए हैं। शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं, चौहान साहब भी कह रहे हैं, बहुत से लोग हैं, ये इस्तराब क्यों हो गया? अपोजिशन तो ये इकट्ठ करती रहती है, इतना ज़्यादा इस्तराब। आपको बता, तकलीफ पहले तो जनरल साहब ने कहा कि जो इनकी मुलाकात हुई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने जो कुछ कहा इनको यकीन आ गया कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। तो ये तो उन्होंने दो दिन पहले कहा था। दो दिन बाद मियाँ साहब कहते हैं कि स्टेट विद इन द स्टेट नहीं, रियासत के अंदर रियासत नहीं, स्टेट अबव द स्टेट, रियासत के ऊपर रियासत। तो मेरा ख्याल है कि ये हर आदमी को समझ आ रही है कि अगर तीन दिन पहले आपकी मुलाकात होती है और आपको यकीन आता है, फिर तो ये और ख़तरे वाली बात है कि आपके जो कायद हैं वो क्या बातें करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पाकिस्तान के फ़ायदे की बात रही। बात के देखें, बयानिए की जंग बिल्कुल होती है और हमारा हुकूमत का बिल्कुल जवाब बनता है कि जो इदारे जवाब नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं दे सकती, फ़ौज के इदारे पे तनकीद होगी, तो हमारा फ़ौज हमारी है और हम सियासतदान बिल्कुल हम समझते हैं कि हमारे इदारे के बारे में कोई गलत बात करेगा, हमारा जवाब देना हक बनता है। क्योंकि अगर कोई आदमी उठ के, एक आदमी जो इश्तिहारी है, एक आदमी जो मफरूर है, एक आदमी जो बीमारी का एक्सक्यूज़ दे के मुल्क से बाहर गया हुआ है और वहाँ वो अदालतें बुला रही हैं, वो नहीं आ रहा और पाकिस्तान में वाजे एक दो निज़ामों की निशानी कर रहा है, तो बजाय इसके कि वो कौम के सामने, आज अदालत ने कहा बासी साहब हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है नवाज शरीफ को, मेरा ख्याल है इसका जवाब बनता है। और ECL से हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब का नाम निकाला है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और अदालत के सामने नवाज शरीफ साहब को पेश करे। अब ये जिम्मेदारी आपने निभानी है, कैसे निभाएंगे? फैसला हमारी गलती है, ये हमारी गलती है, हमें नहीं इतना एहसास और इतना हमदर्दी करनी चाहिए थी। हमारा ख्याल था कि मियाँ साहब बदल गए हैं, हमें नहीं याद थी कि ये वही नवाज शरीफ हैं जो मुशरफ से डील करके गए थे और मक्का मदीने में जाके मुकर गए थे कि मैंने कोई डील नहीं की और उसके बाद कहा कि 5 साल की है जब वो साद हरीरी आके कागज़ लहराए थे। तो हमारा ख्याल था कि वो रिफॉर्म हो चुके हैं और वाकई उनकी सेहत के बारे में ऐसी खबरें आ रही थी कि हर इंसान को हमदर्दी और खौफ आ रहा था, लेकिन जिस तरह वो हशाश बशाश का नज़र आए, हमें खुशी है कि वो सेहतमंद हो गए हैं, लेकिन उसी तरह अदालतों के सामने सरेंडर करें। और ये जो कौमी इदारे हैं, कल मियाँ साहब की जो बातें हैं वो इंडिया की अखबारों ने हेडलाइन लगाई हैं, इसका जनरल साहब क्या जवाब देंगे कि क्या आपकी सियासत यही है कि पाकिस्तान के जो मोतबर इदारे हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सेफ्टी और मुस्तकबिल की जमानत हैं, उनको आप एक मजाक तजहीक करें और दुनिया में मजाक उड़ाएं? ये सियासत है मियां साहब की, जिसने इनको 3 दफा वजीर आजम बनाया और उस प्रोसेस में जिसमें वो 3 दफा वजीर आजम बने कहते हैं कि वो रिगिंग से बने, तो ये तो अपने आप का खुद ही मजाक उन्होंने उड़ाया। ठीक है, ठीक है भाई साहब, आपको पॉइंट आ गया। निजामी साहब, जनरल साहब से जवाब देना बनता है ताकि आवाम फैसला कर सके। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, एक मुझे एक बात समझा दें आप, तो इस बड़ी आपने इस कौम की खिदमत की है कि ये हम अपनी पॉलिटिक्स में जब कोई और दलील नहीं मिलती तो फौरन कह देते हैं ये तो इंडिया का एजेंडा फॉरवर्ड कर रहा है, ये बंदा इंडियन एजेंट है। ये क्या इससे कोई हमारा कोई नैरेटिव ज़्यादा मजबूत होता है? ये एक तो मेरा सीधा साधा आपसे सवाल है। जी, पहले तो मैं ये बात वाजे करना चाहूँ कि जो इन्होंने ये आर्गुमेंट बताने की देने की कोशिश की कि 3 दिन पहले जो एश्योरेंस दी गई किसी किस्म का मुदाखलत नहीं होगा, फिर मियाँ साहब को ये इस बात करने की ज़रूरत क्या पड़ी? 3 दिन पहले जो उन्होंने एश्योरेंस दी है उसके बारे में ये मेरी ज़ाती राय है, फौजी होने के नाते, एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड होने के नाते मैं अपनी फौज की वर्किंग को जानता हूँ, मैं आर्मी चीफ को जानता हूँ और मैं उसके रुफका को जानता हूँ कि ये जिस वक्त इस किस्म की कमिटमेंट देते हैं खुल के अवाम के सामने और अवामी नुमाइंदों के सामने, तो उसमें झूठ नहीं होता है, उसके ऊपर वो अमल करते और अमल करके दिखाएंगे। ये मेरी ज़ाती राय है, नंबर वन। नंबर टू, मियां नवाज शरीफ साहब ने फौज के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया,
उन्होंने ये कहा कि हम फौज से चाहते हैं कि वो किसी किस्म का मुदाखलत सियासी अमलकारी में इसके बाद न करें, और ये कमिटमेंट दो एक दिन के बाद आई कि वो ऑलरेडी ये कमिटमेंट दे चुके हैं। ये मेरी बतौर एक सोल्जर की मेरी जाती राय है कि उन्होंने अगर कमिटमेंट दी है तो उस कमिटमेंट को वो पूरा करेंगे। रह गई बातें हम अब्बासी साहब की बाकी कि जी फौज को जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे, फौज का काम है जी जी नहीं। अब जनरल साहब सवाल सवाल बुनियादी हमारा ये है फौज से हटके उनको बाद मुकम्मल करेंगे। जी जी देखिए जी मैं अपने जात के बारे में बात करूंगा। मियां साहब ने ये डिमांड की है और डिमांड करना उसका हक है, और सियासत के बारे में हमेशा मुतालबात आते हैं, रास्ता बताया जाता है, तरीके इख्तियार किए जाते हैं, लायअमल बनाया जाता है। ये वो बातें थी कि जो APC में डिस्कस हुई, और ये वो बातें थी जिसके मुताबिक सियासी निज़ाम को आगे चलाना था, जमहूरी निज़ाम को जो डी रेल हो चुका था उसको रेल पे दोबारा चढ़ाना था, ताकि लोगों के ऊपर जो बोझ पड़ी है उस बोझ को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, और रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं, और कम अज़ कम उनके मुंह से जो है ना वो रोटी का नवाला उनसे न छीना जाए। ये वो चीज़ें थी जो डिस्कशन जिसकी और फिर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया उन एलिमेंट्स को जो कि इस हुकूमत को लाने के जिम्मेदार हमारी सियासी क्यादत जो 11-12 पार्टियों की राय थी वो ये कह रहे थे कि मुदाखलत की वजह से ये आए, अदरवाइज इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। ये वो डिस्कशंस थे। बादशाह साहब समझते हैं कि ये बात नहीं है, अवाम उनके साथ हैं, अवाम के कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवाम बहुत खुश हैं, शादियाने बजा रहे हैं, फिर इनको न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है, न सीखपा होने की ज़रूरत है, न बयानात देने की ज़रूरत है। ये आवाम की खिदमत करें और अगले इलेक्शन की तैयारी करें जो बहुत जल्द आने वाली है। हम तो ये समझते हैं कि अभी इनमें इतनी इस्तेआत नहीं रही है कि ये मजीद हुकूमत कर सकें, इसके बाद ये खड्डे में गिरते जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, और अगर इसी तरह से इनको रहने दिया गया अल्लाह न करे मुल्क की सालमियत खतरे में ना पड़ जाए। अच्छा बलोच साहब, ये आपने पहले भी ये कहा, अभी भी यही कहा कि अब आपकी बारी आने वाली है और ये तैयारी करें अब अगले इलेक्शन की जिसमें इनको शिकस्त होगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी ये आपके पास कोई खास इंफॉर्मेशन है तजिया आपका? नहीं, हाँ ये इंफॉर्मेशन ये पाकिस्तानी अवाम की तरफ से है। हम अवाम में हैं, अवाम के साथ हैं, सुबह शाम उनके साथ रहते हैं, वो बेजार हैं इस हुकूमत से, और जहाँ इनको मौका मिला उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। आपने देखा था मरियम जब निकली है लाहौर से और सरगोधा गई तो क्या हुआ, 8 घंटे लगे उसको पहुंचने में और नेक्स्ट डे उसको जेल में डाला गया। अभी पिछले दिनों उनको अदालत में जाने की जरूरत पड़ गई तो कुछ वर्कर्स ने कहा कि हम उनके साथ जाएंगे, तो हुकूमत को वक्ता पड़ गया कि क्या हो जाएगा और क्या कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम बेजार हैं, और कल मुझे लोगों ने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ अपील कर रहे थे लोगों ने टेलीविजन को चूमना शुरू कर दिया था, टेलीविजन को चूमना शुरू कर दिया था कि मियां साहब उनको उम्मीद दिला रहे हैं कि वो आ रहे हैं मुसीबतों से उनको निकाल रहे हैं। सही है गलत है अल्लाह बेहतर जानता है, ये बातें बताई गई। वो इतने जलवा अफरोज हुए तो उनके चाहने वालों ने टेलीविजन को चूमा होगा, खैर हमने तो इसको विटनेस उस तरह नहीं कर पाए। लेकिन ये तो कुछ पिल्टी है कि उन्होंने टेलीविजन तोड़ दिया। ये अब वैसी है कि जिस तरह वर्ल्ड कप फाइनल को अवाम उनको ये अपने पास देखने के लिए बेचैन है। नहीं, मैं अब्बासी साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं, उनको अपने पास पाकिस्तान में अब्बासी साहब ऑन अ सीरियस नोट देखें, पाकिस्तान में अगर लाना है और आपकी हुकूमत कह भी रही है कि हम लाएंगे तो कैसे नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे? दूसरा, एक प्रेशर तो आपकी हुकूमत पे आया है, ये बताएं कि उस प्रेशर को टैकल करने के लिए भी कोई अप्रोच है क्या? अपोजिशन के साथ अब मामलात में कुछ शराकत दारी होगी, कुछ डिस्कस कर लिया जाएगा, मुशावरत हुआ करेगी या ऑन बोर्ड लिया जाएगा, कोई मामलात नैब के स्लो डाउन हो जाएंगे, गवर्नमेंट किस अप्रोच पे गौर कर रही है? देखें, हमारा एक नज़रिया था कि पाकिस्तान लूटा जा रहा है, और इस हमारे नज़रिए के साथ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब खड़े थे,
जब जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर वादा किया था कि वो जरदारी साहब की लूट मार का हिसाब लेंगे, ये जर बाबा 40 चोर ने बहुत लूटा है, वो पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। फिर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2013 से 2018 तक रही तो जरदारी साहब कहते थे कि ये माशी दरिंदा है, इसने बहुत लूटा है और मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर इनको मैं छोड़ूंगा तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हम उन दोनों को सच्चा समझते हैं, लेकिन कल जब वो दोनों इकट्ठे हो गए तो ये एक बयानिया था, एक नज़रिया था, एक थीसिस था कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ तब इकट्ठे होंगे जब इनके मफादात इकट्ठे हैं। अब दोनों की मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों के केसेस इकट्ठे हैं। जनरल साहब तो कह रहे हैं कि अवाम इनके साथ है, हमें तो लगता है इनके MNA MPA के इनके साथ नहीं है। जब सेनेट का इलेक्शन होता है वो इनके लिए खड़े होते हैं, वोट नहीं देते। जब कोई फैटफ में ये कोई पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कोई मौक़ लेते हैं तो वो घर बैठ जाते हैं, इनका तो कंट्रोल ही कोई नहीं है। आज मुझे बताएं किसी MNA MPA पे इन्होंने डिसिप्लिन की कार्रवाई की हो। इनके लिए तो मिसाल मौजूद थी, इमरान खान साहब ने जब KPK में असेंबली में हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया तो 20 MPAs को घर भेज दिया था, निकाल दिया था। तो ये इनका अखलाकी कोई इनकी मॉरल स्टैंडिंग ही नहीं है। और मियाँ साहब कैसे जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई डॉक्यूमेंट दें, कोई सबूत दें, तो वो एक जाली कतरी जी ठीक है, ये अब्बासी साहब इट्स अ लॉन्ग डिबेट। इखलाकी मेयार पे वहाँ खड़े हैं वोटर के लिए क्या इखलाकी स्टैंडर्ड है।